दोस्तों आज की शानदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर खेतों में काम आने वाले ट्रैक्टर्स को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है और एक ट्रैक्टर को बनाने में कितने दिन का समय लगता है। दोस्तों यह ट्रैक्टर सबसे ज्यादा खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों आज के समय में मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से लेकर खेतों की जुताई तक हर काम ट्रैक्टर से ही किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आप सभी का कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर फैक्ट्री में ट्रैक्टर्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों शुरुआत में ही ट्रैक्टर्स के इंजन को बना लिया जाता है। आजकल के ट्रैक्टरों में उच्च ऊर्जा देने वाले हल्के इंजनों का प्रयोग होता है। फिर इसमें लगने वाले अन्य छोटे नट वॉल्टूस को भी लगा दिया जाता है, जैसे पिस्टन, क्रेक सॉफ्ट, डेरी वॉल्व आदि अन्य नटों को भी फिट कर दिया जाता है। चूंकि इसके इंजन में डीजल का प्रयोग होता है और इसे चलाने के लिए कंप्रेशन आईसीजनेशन का उपयोग होता है। इसके बाद इंजन के कूलिंग सिस्टम को लगाया जाता है। अब इस ट्रैक्टर के इंजन को कंट्रोल करने के लिए इसमें चेंजिंग गियर रेंज, क्लच, हैंड ब्रेक व आदि कंपोनेंट्स को फिट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ट्रैक्टर्स के पहिए और स्टेयरिंग्स आदि को बनाकर इस इंजन में फिट कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ट्रैक्टर्स की टायर फैक्ट्री में कैसे बनती है इस पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। टायर्स, स्टेयरिंग्स आदि को इंजन में फिट करने के बाद इस ट्रैक्टर पर कलर का काम किया जाता है। अब आखिर में यहाँ के कर्मचारी इन ट्रैक्टरों की अच्छी तरह जांच करते हैं और अन्य छोटे मोटे पुर्जों को भी फिट करते हैं। साथ ही साथ ट्रैक्टर्स पर कंपनी अपना स्टिकर भी प्रिंट कर देती है। अब इन ट्रैक्टर्स को एक चेकिंग मशीन चेक करती है कि ट्रैक्टर्स के सारे पार्ट्स अच्छी तरह से चल रहे हैं या नहीं। अब यह ट्रैक्टर पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अब इसे बेचने के लिए अलग अलग शोरूम्स में भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको अगली वीडियो फैक्ट्री में ट्रैक्टर के टायर्स कैसे बनते हैं इस पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।